हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको न्यूजीलैंड की एक अनोखी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं। इस वेबसाइट पे जो भी जॉब पोस्ट की जाती है दोस्तों, वो न्यूजीलैंड के वेरिफाइड एम्प्लॉयर्स के द्वारा पोस्ट की जाती है और फॉरेन वर्कर्स के लिए पोस्ट की जाती है। अगर आप एज अ फॉरेन वर्कर न्यूजीलैंड में जॉब ढूंढ रहे हो, फिर चाहे आपको रिकवरी वीजा चाहिए, एसेंशियल स्किल्ड वर्कर वीजा चाहिए या फिर कोई और भी वीजा चाहिए दोस्तों, तो आपको इसी वेबसाइट पर जाना चाहिए और इस वेबसाइट पर जाकर के जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस वेबसाइट की पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों आपको अगर होगा तो कुछ दिन पहले ही हमने अपने मेन चैनल पे जो है एक न्यूजीलैंड के सब्सक्राइबर के साथ इंटरव्यू किया था दोस्तों, जिस वीडियो में जो है उस न्यूजीलैंड के सब्सक्राइबर ने हमसे ये बताया था कि अगर आप न्यूजीलैंड में जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट वेबसाइट यही है। तो इसीलिए मैंने देर ना करते हुए आपके लिए वीडियो बना दिए दोस्तों, और आपको जो है आज की इस वीडियो में जॉब्स अप्लाई करने का पूरा तरीका बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप भी यहां जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको भी जल्द से जल्द रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सही तरीके से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप जो भी ईमेल सेंड कर रहे हैं या जो भी एप्लीकेशन सेंड कर रहे हैं वो एचआर तक पहुंच रहा है, और आप जिस भी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक एक्चुअली न्यूजीलैंड फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट होगा, तभी आपको रिस्पांस आएगा। दोस्तों अगर आपका सीवी और कवर लेटर न्यूजीलैंड फॉर्मेट का नहीं है, आप इंडियन रेज्यूमे यूज कर रहे हैं या फिर यूरोपियन रेज्यूमे यूज कर रहे हैं, तो आपको रिस्पांस नहीं आएगा। दोस्तों इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसीलिए दोस्तों अगर आप न्यूजीलैंड में जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फिर चाहे भले ही आप किसी भी वेबसाइट का इस्तेमाल क्यों ना करें, आपको जो है अच्छे सीवी और कवर लेटर की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों जल्दी से अपना सीवी और कवर लेटर बना लीजिए। आप खुद से अपना सीवी कवर लेटर बना सकते हैं दोस्तों गूगल की मदद से, और अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दोस्तों आपको सीवी और कवर लेटर बनाने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, उस कॉन्टैक्ट डिटेल पर जल्दी से जल्दी हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। और जब एक बार सीवी और कवर लेटर बन जाए दोस्तों, तो आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना है अब मैं आपको बता देता हूं। ले चलता हूं आपको इस वेबसाइट पर और आपको पूरी की पूरी जानकारी देता हूं, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं आपको trademe.co.newzealand की वेबसाइट पर लेके आ चुका हूं। ये वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है दोस्तों जहां पर आपको जॉब्स ही नहीं मिलेंगी, सिर्फ प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड जानकारी भी आप ले सकते हैं, मार्केट प्लेस वगैरह से, गाड़ियों वगैरह से रिलेटेड जानकारी भी आप ले सकते हैं। यहां पर आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, और जॉब्स तो है ही। आप जॉब्स वाले अगर ऑप्शन पर जाना चाहते हैं तो सिंपली जॉब वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, और जो भी जॉब्स यहां पर पोस्ट की गई है उन सभी जॉब्स के बारे में जान लीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर कीवर्ड्स डालने का ऑप्शन है, कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड में आपको कौन सी जगह पे जाना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप सर्च कर सकते हैं, और अगर आप सर्च नहीं करना चाहते हैं तो भी नीचे जो है कुछ जॉब पोस्ट की जाती हैं दोस्तों, जिन जॉब्स को आप डायरेक्टली देख सकते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हैं सैलरी गाइड वगैरह के बारे में भी आपको जानने के लिए मिलेगा, और यहां पर आप देख सकते हैं फीचर्ड जॉब की एक लिस्ट है जहां पर एजुकेशन कोऑर्डिनेटर, नाइट अनलोडर, और यहां पर चेकआउट सुपरवाइजर, हैवी डीजल्स मैकेनिक, नेशनल हायर मैनेजर, आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप की जॉब्स अवेलेबल है। और मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी वेबसाइट है दोस्तों जिसमें ना सिर्फ फॉरेन वर्कर्स के लिए बल्कि लोकल लोगों के लिए भी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। तो अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं, जॉब डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद ही जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा। वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों कि कौन कौन सी मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं एक एप्लीकेंट के लिए, और क्या क्या चीज़ें जो है आपसे एक्सपेक्ट की जा रही हैं। आप सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ही जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आप डीमोटिवेट से हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए नेशनल हायर मैनेजर, द व्हाइट स्वान होटल में जो जॉब अवेलेबल है फ्रंट ऑफिस मैनेजर की, उसके बाद मैकेनिक्स की जॉब अवेलेबल है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे तो और भी जॉब्स आएंगे के लिए, लेकिन हमें इसमें से अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो कुछ करना नहीं होता है दोस्तों, किसी भी एक जॉब को क्लिक कर लेंगे। सपोज यहाँ नाइट अनलोडर की जॉब है, यहाँ पर जो है नाइट अनलोडर का काम करना है। इसमें जो है आपको लोडिंग अनलोडिंग करनी होगी, ट्रक्स में सामान डालना होगा, निकालना होगा, ये सारी चीज़ें करनी होंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिकली फिट होने चाहिए आप, हैवी हैवी बॉक्सेस को मूव करने के लिए रेडी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मेरे हाथों में दर्द है, मेरे टांगों में दर्द है, ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों आप। ये आपको काम करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए ना तो ज़्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है ना ही ज़्यादा एजुकेशन की जरूरत है। यहाँ पर आपको एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, इस बटन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप उस एम्प्लॉयर की वेबसाइट पर चले जाओगे जिस एम्प्लॉयर ने यहाँ पर ये जॉब पोस्ट की है, ठीक है। यहाँ पर ये जॉब की पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना है, सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, जो कि आपको ट्रेडमी भी देखने को मिल रही थी। उसके बाद एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अप्लाई पर क्लिक जैसे करोगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस वगैरह डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास राइट्स हैं कि नहीं काम करने के लिए, उसके हिसाब से आपको जवाब दे देना है। अगर राइट्स के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों तो हो सकता है कि ये जॉब लोकल लोगों के लिए है, तो इस चीज़ के लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा। यहाँ पर लोकल लोगों के लिए भी है, फॉरेन वर्कर्स के लिए भी है, इसीलिए जब भी आप जॉब डालो सॉरी जॉब सर्च करो तो आप ऐसे कीवर्ड
कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो जिसमें जो है आप फॉरेन वर्कर्स की ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स ढूंढ सकें। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे थर्ड पार्टी वेबसाइट पर ले जा करके जो है छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा आपको। आपको ध्यान से 5 मिनट दे करके इस फॉर्म को भर लेना है दोस्तों, सारी चीज़ें को जो है डबल चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको जो है फॉर्म सबमिट करना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है सही तरीके से, और अगर आपको लगता है कि जॉब के डिस्क्रिप्शन को या फिर जॉब की रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल कर पाते हैं तब अप्लाई करना है, और अप्लाई करना है आपको बहुत अच्छे तरीके से सही सही डिटेल्स भरते हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि आप जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भर रहे हो या फिर जो ईमेल आईडी भर रहे हो वो एक्सेसिबल ही ना हो, और आप जो है उस ईमेल आईडी को एक्सेस ना करते हुए इनके मेल वगैरह ना पा सके। अगर ऐसा होगा तो आपको रिस्पॉन्स आएगा भी, तो भी आप जो है घाटे में रह जाओगे दोस्तों, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ आपकी जॉब लगी है कि नहीं लगी है। यहाँ पर भी सेम ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, हैवी डीजल्स मैकेनिक की जॉब अभी ओपन की है, यहाँ पर भी आपको अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जिस पर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर टाइम लगने के बाद जो है पूरी की पूरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। सब कुछ रॉ रखूंगा दोस्तों आपके सामने, कुछ भी एडिट वगैरह करके नहीं दिखाऊंगा, जैसी वेबसाइट खुलती है वैसे ही आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो आप अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आ चुका है, इस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर से हमारे पास जो है एक छोटा सा फॉर्म खुल जाएगा दोस्तों, जिस फॉर्म को हमें फिल कर लेना है बहुत आसानी से और बहुत ध्यान से। ठीक है, यू आर अप्लाइंग फॉर दिस ब्रांच मैकेनिक पोजीशन, ब्रांच मैकेनिक की जॉब है, यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स डाल देनी है दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, उसके बाद आपको इस जॉब के बारे में कहाँ पता चला, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, सीवी कवर लेटर अपलोड कर देना है, और उसके बाद जो है जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होने वाला है, इस वेबसाइट को याद कर लीजिए, trademe.co.nz। ठीक है, NZ जो है न्यूजीलैंड का कोड है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का AU होता है। आपको जो है इस वेबसाइट पर आना है, जॉब सर्च करनी है और जॉब्स के लिए अप्लाई कर लेना है। पूरा का पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया दोस्तों, तो वेट करना छोड़िए, जल्दी से अपने लिए एक सीवी कवर लेटर बना लीजिए या फिर बनवा लीजिए, और फिर जो भी जॉब्स अवेलेबल है न्यूजीलैंड में इस वक्त उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर दीजिए। देखा दोस्तों कितनी आसानी से आप इस वेबसाइट पर जाके न्यूजीलैंड की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी दोस्तों, और आप इन जॉब्स के लिए बहुत आसानी से अप्लाई भी कर सकते हैं। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था, मैंने आपको करके दिखा भी दिया, तो आई होप कि आपको अब मेरी बातों पर विश्वास हो चुका होगा, और विश्वास हो चुका है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ गई है आपको तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूं ही हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।